आलू पोहे का बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी करारा बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स की रेसिपी, जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप लिया है पोहा। तो यहाँ पे आप मोटा या पतला कोई भी पोहा का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पोहे को हमें ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार करना है। तो बिल्कुल फाइन सा हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल लेते हैं एक आलू। तो यहाँ पे हमने एक कच्चा आलू लिया है, जिसे कि हमने धो करके छील लिया है और इसे काट लिया है। अब हम इस सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इस पर पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें हम बीच बीच में डालते जाएंगे और इसे हम बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बिल्कुल इसे फाइन सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक पैन को अच्छी तरह से गर्म करके ऑयल डाल लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया, हमने इसमें आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लिया है। और जब ये चटकने लगे तो हमने इसमें डाल लिया है एक कटी हुई हरी मिर्च। इसे हल्का सा भून लिया है। अब हम डाल लेते हैं इसमें 1/4 कप पानी। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में पानी में बॉईल आने लगा है, तो हम इसमें कुछ सब्जियों को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज, कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पानी में बॉईल आ रहा है सब्जियाँ, ये सब्जियाँ जो है बहुत ही आसानी से पकने वाली सब्जियाँ हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें नमक भी डाल लिया है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल लिया है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो पेस्ट बना कर रखा था ना आलू और पोहे का, उस पेस्ट को हम इसमें डाल लेते हैं। तो सारा पेस्ट हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिक्स करते करते हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेना है। इसमें जितना भी पानी है वो सब पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इतना हम इसे पकाएंगे कि ये बिल्कुल एक डो की तरह बन जाए। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप शाम को स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। तो चाय के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। आलू पोहे से हमने बनाया है तो बहुत ही आसान से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप इस तरह से लगातार चलाते जाएं ताकि ये तले पे चिपके नहीं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है। और देख सकते हैं ये मिश्रण जो है वो पैन को भी छोड़ने लगा है। तो जब बिल्कुल अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाता है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डो बिल्कुल अच्छा तैयार हो चुका है और बहुत ही कलरफुल लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें प्याज, टमाटर, धनिया का यूज़ किया है। ग्रीस किए हुए प्लेट में हमने इस मिश्रण को डाल लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा पानी लगाते हुए इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको काट लेंगे। तो एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इसे अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में हमने इसे काट लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई या तो फिर डीप फ्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे बना करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी आपको इसे खाने का मन हो तो आप इसे निकाल के फ्राई करें और इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे कम ऑयल में बना के तैयार किया है। इससे बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रहेगी और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एक एक करके हमने सारे स्नैक्स को इस तरह से पैन में डाल लेना है। थोड़ी देर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक तरफ से ये सिकने लगा है तो हम इसे पलट लेते हैं और इसे दोनों तरफ से हमें क्रिस्प होने तक पका लेना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है। और एक एक करके हमने सारे नाश्ते को इस तरह से पलट लेना है। फ्रेंड्स, आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूं। तो ये देखिए, हमारे सारे स्नैक्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं।
तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और आप इसे एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल से ये बन करके तैयार होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाएं।